तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस आप सभी को मेरी तरफ से भाई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं दुआ यही करूंगा कि जितने भी लोग भाई मेरी वीडियोस देखने आते हैं उन सभी का 2022 का जो साल है काफ़ी बढ़िया जाए, और जिन जिन की भाई कुछ ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएँ। बिकॉज यार 2021 भाई अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब गया था बहुत सारे लोगों का, भाई पूछो मत यार। तो अभी पुराने साल को छोड़ते हैं और जीते हैं भाई आज के नए साल में। तो इसी खुशी में यार मैंने सोचा कि क्यों ना नया साल है कुछ धमाकेदार करा जाए। तो गाइस आज मैंने सोचा है कि अपनी गाड़ियों को ना हम मतलब पानी में भी चला के देख लिया, ऑफ रोडिंग मतलब जगह जगह भाई हमने अपनी इंडियन कार को चला के देख लिया। फिलहाल तो हमने आग पे आज तक कभी अपनी गाड़ी को कुछ चला के नहीं देखा है। और कुछ सारे लोग अब ये भी बोलेंगे कि यार ये तो आग पे चलाना तो भाई पागल बनती है क्योंकि आग पे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो गाइस यही चीज़ देखने के लिए आज हम ये चीज़ टेस्ट करने वाले हैं कि जो अपनी गाड़ियाँ हैं ना वो क्या आग पे चल सकती है। बिकॉज जो आपको तो पता ही है कि मतलब गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो भाई रबड़ के होते हैं, और रबड़ मतलब आग का भाई कहीं भी कोई कम मतलब मैचिंग ही नहीं है गाइस। रबड़ जल जाती है भाई आग के ऊपर आते ही। फिलहाल आज देखना ये होगा कि कौन सी गाड़ी है जो कि भाई इस चैलेंज में जीतने वाली है। अब फिलहाल ये बहुत ज़्यादा भाई बेवकूफ़ी भरा सवाल तो है, पर क्या पता यार कोई गाड़ी ऐसी निकल के आए जो कि भाई इस आग को सर्वाइव कर जाए। फिलहाल तो आप यहाँ पे आग देखो भाई साहब, जो जो रैम मैंने भराई है ना इसमें भाई पूरे में आग लगी हुई है। मतलब यहाँ से जब स्टार्ट होती है और काफ़ी दूर तक है, आपको लग रहा हो कि छोटा मोटा है, नहीं भाई साहब बहुत लंबा मैंने यहाँ पे ट्रैक रखा हुआ है। और इतना लंबा जो ट्रैक है ना यहाँ तक शायद ही कोई कार सर्वाइव करके जाने वाली है। फिलहाल तो आप देखना हमें यही है कि कौन सी गाड़ी यार जो है वो सर्वाइव करके जा पाएगी, जिस गाड़ी की स्पीड अच्छी होगी और मतलब जो गाड़ी और जिसके टायर ऑब्वियसली बात है थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के अगर लगे होंगे ना उसमें, वही ये जीतने वाली है। फिलहाल तो अपने पास आज बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि आपको तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों को पता ही है। तो फिलहाल जो जो गाड़ी हम यूज़ करते जाएंगे मैं आप सभी को उनका नाम भी बताता जाऊँगा, क्योंकि अगर पहले मैं नाम बताऊँगा फिर बताऊँगा तो बहुत मतलब काफ़ी यार घुमा फिरा के बात करने की गाइस हमें आदत दी है। तो सीधा भाई वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस जो सबसे नंबर वन की कार है वो है यहाँ पे महिंद्रा की थार। और फिलहाल तो अब देखना ये है कि क्या जो अपनी महिंद्रा की थार है, क्या भाई आपको क्या लगता है गाइस कि इस चैलेंज में कौन सी गाड़ी जीतेगी। मतलब वाटर क्रॉस में तो एक बारी कुछ समझ में आता है कि गाड़ी के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिलहाल तो अब देखते हैं गाइस महिंद्रा थार जीत पाती है नहीं। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे हम भाई अपनी महिंद्रा थार को लेके निकल चुके हैं, और यहाँ पे बस देखना ये होगा कि क्या ये गाड़ी भाई वहाँ तक सरवाइव कर पाएगी। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है बिकॉज मैंने काफ़ी स्पीड से तो निकाला है, पर गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब इसके अंदर आग लग चुकी है। और मेरा वो कहाँ गया यार आग बुझा। अबे भाई ये अबे क्या निकाल लिया इसने, हाँ ये रहा। तो गाइस भाई अपनी जो महिंद्रा थार के टायर तो पूरे जल गए और इंजन में भी आग लग। ओ भाई गाइस यहाँ पे हम यार थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज जो हमने अपना जो ये था ना भाई फायर एग्जीक्यूटर मतलब जिससे आग बुझाते हैं फायर एग्जीक्यूटर जो भी आप बोल सकते हो उसको, मतलब मेरे को तो एग्जैक्ट इसका नाम लेना नहीं आता है, तो वो यार मतलब निकालने में थोड़ी सी यहाँ पे देरी हो गई। और उस वजह से अपनी महिंद्रा थार 2021 है भाई वो आज के दिन यार फट चुकी है यार। मतलब नए साल वाले दिन भाई अपनी एक गाड़ी का लॉस हो चुका है। अब देखना ये होगा कि और कितनी गाड़ियों का यहाँ पे लॉस होने वाला है। यार मैंने गलती करी ना भाई, मैं यार फायर ट्रक को यहाँ पे चोरी करके ले आता, पर यार दिक्कत ये है ना उसको भी ऑपरेट करने वाला कोई बंदा हमें रखना पड़ता क्योंकि आग भी तो बुझाने वाला कोई होना चाहिए ना, ट्रक तो हम ला के खड़ा कर देते। तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं गाइस, अपनी जो महिंद्रा थार है भाई वो ऑलमोस्ट यार भाई पूरी ख़त्म हो चुकी है यार। अब ये सीधा भाई स्क्रैप यार्ड में जाने वाली, मतलब जंक यार्ड में जाने वाली है स्क्रैपिंग के लिए। तो फिलहाल अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइस अभी हम फिर से यहाँ पे वापस आ गए हैं, और इस बारी बारी है भाई अपनी कौन सी है भाई जीप कंपास की। और इस बारी मैंने जो आग बुझाने वाला है ना उसको मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, मतलब जैसी गाड़ी में आग लगेगी ना हम वहाँ पे पहुँचेंगे एंड तक, वैसे ही मैं तुरंत निकाल लूँगा ताकि जो अपनी गाड़ी है एटलीस्ट उसको तो हम बचा लें। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा स्पीड में हम निकालेंगे, और मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आई थिंक से जो अपनी जीप कंपास है इसके अंदर भी आग लग चुकी है। तो गाइस ओ भाई साहब इसके इंजन में आग निकल लग गई है, और मेरे को फटाफट से जो इंजन की आग है उसको बुझाना पड़ेगा, अदरवाइज जो अपनी गाड़ी है ना भाई वो फट सकती है। बस कोशिश मेरी यही है और मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे को लग नहीं रहा है कि आई थिंक से आज अपनी कोई भी कार बचने वाली है, क्योंकि यार आग ना भाई आग ऑब्वियस ही बात है यार उस पर गाड़ी में भाई पेट्रोल वगैरह होता है और वो आग कितनी जल्दी पकड़ रहा है आप सभी तो देख ही रहे हो।
फिलहाल तक यहाँ तक आते आते भाई गाड़ी की पूरी तरीके से बैंड बज जा रही है, और अभी तक की जो अपनी दोनों कार थी ना इस चैलेंज में भाई वो फट चुकी है यार। उन्होंने अपनी जान यहाँ पे, आप बोल सकते हो जो अपनी जान यहाँ पे गंवा दी है दोनों गाड़ियों ने। अब फिलहाल तो देखना ये है कि आज कौन कौन सी जो कार है वो बचने वाली है और कौन कौन सी कार मरने वाली है। तो ऑलराइट गाइस भाई अभी बारी है भाई अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर की। अब देखना ये होगा कि अपनी जो फॉर्च्यूनर है क्या ये बच पाएगी, क्योंकि जो आग है ना वो काफ़ी मतलब एक्सट्रीम लेवल की मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने यार ये चीज़ ना मैं कहीं भाई बीच वगैरह के किनारे पे एक्सपेरिमेंट करता ताकि जो अपनी गाड़ी थी ना उसको हम एटलीस्ट कम से कम बचा तो सकते थे। यहाँ पे तो यार अपने पास बस वो आग बुझाने वाले के अलावा और कुछ चीज़ है ही नहीं। पानी हो तो एक बारी को जल्दी बुझ भी सकती है, और भाई फॉर्च्यूनर में भी आग लग चुकी है, इसके टायर फट रहे हैं ऑलरेडी। बस अब देखना ये होगा कि क्या है इसकी आग हम बुझा पाएंगे। तो गाइस लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेरी कोशिश तो पूरी थी, पर जो अपनी गाड़ी थी वो यहाँ पे हमसे बच नहीं पाई, और जो अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो भी यार भाई इस आग का शिकार हो चुकी है। तो ये बात तो अब तय है कि भाई गाड़ियों का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो अब देखना है, क्या पता किसी गाड़ी की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और वो बच जाए। फिलहाल तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। और हाँ गाइस, ये तो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हो तो इसको आप पर्सनली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि अनमोल भाई आपने गाड़ियों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। तो गाइस ये एक जस्ट एक्सपेरिमेंट वे में हम यूज़ कर रहे हैं मतलब कार को। आपको तो पता ही है कि आग से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो ये सारी गाड़ियाँ अपनी वापस आ जाएंगी, आप टेंशन मत लो। तो फिलहाल तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस, अभी हम वापस आ गए हैं और अब की बार बारी है भाई अपनी फोर्ड की एंडओवर की। और हाँ गाइस, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि गाइस अब से अपनी जो अलग गेम प्लेस में मतलब जो अपने अलग पीसी गेम में ट्राई कर रहा था वो अब अलग चैनल पे आने वाले हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो वीडियो है वो आई थिंक उसका भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, पर फिलहाल तो मैं उस पर अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब वगैरह करके रख लेना चैनल को। अब से हम जो अलग गेम ट्राई करेंगे उसके लिए वीडियो है वो उसी चैनल पे आने वाली है। फिलहाल तो अपनी फॉर्ड के एंड ओवर में यहाँ पर आग लग चुकी है, और फ्रैंकलिन भैया जल्दी फुर्ती में बाहर निकलो और आग बुझाने पर लग जाओ, वरना जो अपनी ये भी गाड़ी जाने वाली है। और यार इंजन में आग एक बार ही लग जाती है ना तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे जो आग है ना यार बुझ ही नहीं रही है गाइस, सच्ची बताऊँ तो यार जो आग भाई बुझ ही नहीं रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, आई थिंक से भाई लोकल वाले तो नहीं दे दिया गई उसने, है तो भाई फायर आग बुझाने ही वाला। पता नहीं यार इससे आग जो है अपनी बुझ क्यों नहीं रही है। फिलहाल तो यहाँ पे अपनी फॉर्ड की एंडओवर है भाई, उसकी भी यहाँ पे बलि चढ़ चुकी है। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे जलने देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, अभी बारी है भाई अपने हुंडई की क्रेटा की। तो लेट्स सी, देखते हैं अपनी हुंडई की क्रेटा क्या पता जीत जाए। मेरे को तो यहाँ पे लग नहीं रहा है कि अपनी कोई भी गाड़ी बचने वाली है, क्योंकि यार आग की जो लपटें हैं ना भाई वो इतनी ज़्यादा हैं कि इससे बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ओ भाई साहब, इसके भी टायर में गाइस आग लग चुकी है, पर मैं जल्दी फटाक से ना इसको रोक के और फटाफट से बाहर उतर के इसको बुझाने की कोशिश करता हूँ। बुझ जा यार भाई इसके। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे भाई जो अपनी क्रेटा है वो फाइनली बच गई। अबे मेरे को एक बारी को लगा था कि अपनी क्रेटा यहाँ पे नहीं बचेगी, पर जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है भाई। आप देखो अपनी जो क्रेटा है वो यहाँ पे बच गई है सेफली। इसके टायर में आग तो लगी थी, पर इसके जो चारों टायर है ना वो ऑलमोस्ट मतलब जल गए हैं। अब वो कुछ ही देर में मतलब फट जाएंगे, मतलब रहेंगे ही नहीं। जो अपनी कार है वो आप बोल सकते हो कि जो रिम होते हैं कार के, जो अलॉय व्हील होते हैं उसके ऊपर आने वाली है। अब देखो मैं इसको थोड़ी देर ही चलाऊंगा और जो इसके टायर है ना वो जहाँ तक है गायब ही हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं। आई थिंक जो अपने टायर हैं गाइस वो तो जा चुके हैं। आप लोगों को नीचे जो है चिंगारियाँ नज़र आ रही होंगी कि जो अपनी कार है वो यहाँ पे अलॉय व्हील पे चल रही है। फिलहाल तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि जो अपनी कार है मेरे को लगा नहीं था यार कि कोई भी कार आज बचने वाली है, बिकॉज यार आग से कैसे ही बचेगी। फिलहाल तो क्रेटा ने यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया है। अब देखना ये होगा कि जो अपनी बाकी गाड़ियाँ बची हैं क्या ये भी मतलब इनमें से भी कोई ऐसी कार है जो ये कमाल दिखाने वाली है। फिलहाल तो यार क्रेटा यार मानना पड़ेगा भाई, आग को भी भाई इसने बीट कर दिया है यार। इसके लिए तो यार ओपी हो जाना चाहिए भाई चैट में, क्रेटा ओपी इन द चैट गाइस हो जाना चाहिए। और एक बंदा एक ही कमेंट करेगा, ज़्यादा नहीं, स्पैम मत करना। फिलहाल तो अभी बारी है भाई अपनी महिंद्रा XUV 700 की। तो देखते हैं महिंद्रा XUV क्या पता सर्वाइव कर जाए। तो लेट्स सी, फिलहाल तो मैं यहाँ पर काफ़ी स्पीड में ले जाने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक पता लगी अपनी गाड़ी को वो बचाने की।
कि गाड़ी है ना एकदम से ले जाओ और फटाफट से जो आग है उसको बुझाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। तो गाइस अरे नहीं, इसके इंजन में आग लग चुकी है ऑलरेडी। अरे नहीं नहीं बुझ जा भाई, बुझ जा। तो गाइस अपनी क्रेटा की इंजन, वो क्रेटा कह रहा हूँ, XUV 700 के इंजन में आग लग चुकी है। क्या ये बुझ पाएगी, अब देखना ये होगा। बस उम्मीद है कि जो फटे ना यार। अरे नहीं बुझी, अभी भी नहीं बुझी है गाइस, ये तो बुझी नहीं रही है यार। मेरे को लगा था बुझ जाएगी भाई। अपनी XUV को मैं पूरा बचाने की अब फुल कोशिश कर रहा हूँ, और पर इसके जो इंजन है ना उसने ऑलरेडी इतनी आग पकड़ ली है कि यार बुझी नहीं रही है, मतलब अपने कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। अभी भी जले जा रही है। प्लीज़ यार बुझ जा भाई, वरना जो अपनी क्रेटा है यार वो फट जाएगी। और ये मैंने अभी नई बाई की थी यार, ये XUV 700, मतलब आपको तो पता ही है कि नई आई है। और फिलहाल ये काफ़ी बढ़िया बात है कि जो अपनी क्रेटा कह रहा हूँ भाई, इतनी देर से जो अपनी XUV है वो यहाँ पे बच तो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये भाई जिंदा है। तो नहीं गाइस, अपने फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे इसके अंदर बैठ नहीं सकते हैं, और इसके इधर के दोनों टायर जल गए हैं, और इधर वाले और भाई इधर का भी, बस आगे का एक टायर बचा है और इंजन पूरी तरीके से जल चुका है। और फिलहाल तो हम इसके अंदर बैठ नहीं सकते क्योंकि ये जो कार है वो एक तरीके से अब डेड हो चुकी है। बस इसकी बॉडी बची, मतलब ये ब्लास्ट हुई, वरना ये कार जो है वो पूरी की पूरी ख़त्म है। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो यार गाइस अभी हम फिर से वापस आ गए हैं। और हाँ गाइस, जो लोग भी अभी तक यार वीडियो को देख रहे हो तो आप मेक श्योर यार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है। और अगर आप लोग ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो फ्यूचर में तो आप लोग इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बटन बिल्कुल फ्री है। फिलहाल तो अभी जो अपनी कार है उस कौन सी है, ये टोयोटा लैंड क्रूजर है। तो देखते हैं टोयोटा की लैंड क्रूजर क्या बच पाती है। फिलहाल तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, और भाई साहब इसी स्पीड के साथ में, अबे भाई इसकी तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ यार। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई है कि जो अपनी लैंड क्रूजर है ना भाई, मानना पड़ेगा यार स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इसके टायर ने ना आग नहीं पकड़ी यहाँ पे। फिलहाल तो हमने दो बारी हम भाई इसके ऊपर से ले आके जा चुके हैं, और भाई यहाँ पे अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर भी यार काफ़ी तगड़ी है। हालांकि स्लो में लेके जाते तो भाई पक्का इसके जो टायर थे ना वो मतलब आग उसमें पकड़ लेते। फिलहाल तो अभी जो अपनी थर्ड कार है ये विनर हो चुकी है भाई इस चैलेंज में। फिलहाल तो अपनी जो नेक्स्ट कार है वो है भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। तो देखते हैं यार जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है क्या ये मतलब सर्वाइव कर पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। फिलहाल तो लेट्स गो, देख ही लेते हैं भाई क्या होने वाला है इसके साथ में। तो इसको भी हम स्पीड में निकालेंगे उसी ट्रिक के साथ में। पर नहीं गाइस, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अपनी S11 है ना, ओ भाई इसके तो इंजन में ऑलरेडी आग लग चुकी है। फिलहाल तो फटाफट से फ्रैंकली भैया बाहर निकलो और आग बुझाना शुरू कर दो, वरना जो अपनी गाड़ी है वो ब्लास्ट हो जाएगी यहाँ पे। और भाई साहब जो अपनी S11 है ना इसके इंजन में आग लग चुकी है बुरी तरीके से। बस उम्मीद है यार ब्लास्ट ना हो, प्लीज़ यार फटना नहीं। तो मेरी बहुत ही प्यारी कार है यार स्कॉर्पियो, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि यार न्यू ईयर वाले दिन भाई अपनी गाड़ियों के साथ में ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट भाई मैं क्यों ही कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं कोई रैम चैलेंज वगैरह कर लेता यार। लाल अभी क्या ही कर सकते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा खुरापाती आइडिया आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है उसकी आग बुझने में ही नहीं आ रही है, अभी तक मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ इस आग पे। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमने भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 को बचा लिया बड़ी मशक्क़तों के बाद में। पर जो अपनी गाड़ी है भाई उसके इधर के साइड के दोनों टायर जल चुके हैं पूरी तरीके से, और तीन टायर ऑलमोस्ट इसके जल गए हैं, आगे का बस एक ही टायर बचा है। इंजन में से भाई काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब हम गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते हैं और ना ही इसको चला सकते हैं। इसका सेम हाल भाई XUV 700 की तरह है। हम ये गाड़ी मतलब दिखने में तो सही दिख रही है, ठीक ठाक दिख रही है, पर हम गाड़ी को चला नहीं सकते बिकॉज इनके इंजन बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं। तो अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं। और लेट गाइस अभी बारी है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 की। अब देखना ये होगा कि क्या महिंद्रा S10 बच पाती है नहीं, क्योंकि S11 को तो हमने बचा लिया। ऐसा नहीं है गाइस, मैंने सारी गाड़ियों को भाई बचाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है, पर यहाँ पे मेरे को इसकी हरकतें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अपनी S10 है ना वो बचेगी। और यहाँ पे आप देखो भाई इसका तो इंजन अभी से जल गया यार। और भाई 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 साहब यार, मैं मेरे से ना गाइस एक गलती हो रही है। गलती पता है क्या हो रही है कि जो अपनी गाड़ी है ना उसको यहाँ पे, वो भाई लो अबे तू इसको मत फाड़ दियो यार, इसको मैंने जैसे तैसे बुझाया मतलब बताया है अपनी जो स्कॉर्पियो S11 है, और तू आके भाई यहीं पे जल।
अबे तो बुझ क्यों जा भाई, बुझ जा यार प्लीज। हाँ तो बुझ गई ना। तो गाइज यहाँ पे जो अपनी S10 है वो तो नहीं बची, पर अपनी S11 बच चुकी है। और यार ये गाड़ी है ना अभी भाई रास्ते में पड़ी है ना, तो जो भी गाड़ी भाई वहाँ से जलते हुए आ रही है ना, मेरे को बस डर ये लग रहा है कि जो गाड़ी यहाँ पे अगर फटेगी ना, अगर ये वाली गाड़ी अगर उनके टच में आ गई तो ये भी अभी फट सकती है, क्योंकि इनके अंदर ऑयल तो बचा है, हालांकि इंजन ही तो जला है भाई अभी भी, मतलब ये फट सकती है गाइस। तो फिलहाल तो अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं और लेके आते हैं उधर से भाई अगली कार को। तो ऑलराइट गाइस अभी हम वापस आ गए हैं और अपनी बारी है भाई अपनी महिंद्रा बुलेरो की। तो देखते हैं क्या जो महिंद्रा की बुलेरो है ये बच पाएगी भाई इस आग से। फिलहाल तो मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी आप बोल सकते हो काफ़ी स्लो है। बस देखना अब ये हुआ कि ये बच पाती है नहीं। तो लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो कार है उसके ऑलरेडी भाई टायर्स में तो आग लग चुकी है। अभी मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा क्योंकि मैं आगे ये नहीं चाहता हूँ कि जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे फट जाए। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है अपनी जो गाड़ी है, क्या ये बच पाएगी। तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर आग लग चुकी है और भाई साहब यहाँ पे मेरे बचाने की पूरी कोशिश थी, इंजन में आग लग की थी, पर जो अपनी गाड़ी है ना उसका ये वाला टायर की जो आग है ना वो बजाना, मतलब वो वाली जो आग है उसको बुझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहीं से मैं देख रहा हूँ ये वाली जो मतलब कोई भी कार अगर यहाँ से अगर आग पकड़ गया तो वो ब्लास्ट ही हो जा रही है। इंजन में क्या हो रहा है कि इंजन से नहीं जा रही है, वो साइड से जा रही है। तो इसीलिए मैंने इस वाली एरिया को बुझाने की कोशिश करी थी, पर अपनी जो महिंद्रा की बुलेरो है वो यहाँ पे जल के भाई पूरी तरीके से राख हो चुकी है। बस इसकी नंबर प्लेट ही बची है, बाकी तो पूरी गाड़ी भाई काली हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई कीचड़ में, मतलब कीचड़ में क्या कि कार पूरी जली हुई है और जल तो गई है ऑब्वियस सी बात है। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और लेके आते हैं अपनी लास्ट कार को। तो ऑलराइट गाइस भाई अभी बारी है अपनी येल्लो कलर में, भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई इनोवा। अब फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि ये प्यारी गाड़ी है क्या ये अपना ये कलर बचा पाएगी, या फिर भाई ये अपना जो कलर है उसको ब्लैक करा लेगी, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है अगर भाई अपनी गाड़ी बच गई तब तो येल्लो रहने वाली है, अगर नहीं बचेगी फिर तो ये काली हो जाएगी बुलेरो की तरह। फिलहाल तो इसकी शुरुआत काफ़ी गंदी हो रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रैम से निकलते कहीं जो भाई ये कार ब्लास्ट ना हो जाए। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे तो भाई इसके टायर वायर जल गए यार इनोवा, यार क्या ही बताओ भाई बिल्कुल ही यार। ओ भाई साहब ये तो चल ही नहीं रही है। लो मैंने क्या बोला था भाई कि जो अपनी कार है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रैम पे ही ना फट जाए, और ऐसा हुआ भी है भाई साहब। ये तो भाई रैम पे ही फट गई, मतलब ये तो पूरी रैम भी पार नहीं कर पाई ऑलमोस्ट। बाकी सारी गाड़ियों ने भाई रैम तो एटलीस्ट पार की थी। फिलहाल तो यहाँ पे जो सबसे नंबर वन पे अपनी कार है ना इस चैलेंज के विनर, वो थी भाई टोयोटा की लैंड क्रूजर, जो कि किधर खड़ी है वो उधर की साइड में खड़ी है। मतलब भाई साहब उस गाड़ी ने तो आग ही नहीं पकड़ी, मतलब उसकी स्पीड इतनी थी कि उस गाड़ी में आग ही नहीं लगी। और अपनी जो क्रेटा है उसने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल के दिखाया है, क्योंकि इस गाड़ी के टायर तो जल गए पर इसकी भाई जो गाड़ी है ना चलने की कंडीशन में है, मतलब जो कार है हम इसके अंदर बैठ सकते हैं, इसको चला सकते हैं। बाकी जो कार थी दो अपनी XUV700 और स्कॉर्पियो S11 वो हालांकि चल नहीं सकती हैं। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि क्या आपको इसका पार्ट टू देखना है। पार्ट टू में हमारे पास जो भी गाड़ियाँ बची हैं हम उनको यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि उस चैलेंज में भाई, मतलब उस वाली वीडियो में कौन कौन सी कार यहाँ पर सर्वाइव करने वाली है। फिलहाल तो इस चैलेंज में आज चार ही गाड़ी है जो कि सर्वाइव कर पाई, एक है टोयोटा लैंड क्रूजर, दूसरी है हुंडई की क्रेटा और तीसरे नंबर पर थी XUV700 और चौथे नंबर पर अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। तो बस गाइस आज की वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।